मॉर्निंग मैं शामिल फ्रॉम्स रजन। कल नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था साउंड वन की एक्सरसाइज। अब हम उसका नेक्स्ट यानी कि आगे क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या है। तो चलिए हम पेज पलटा के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिखता है लुक एट मी यानी कि देखो और पढ़ो। लुक मीन्स क्या होता है बच्चों? देखना। एंड मीन्स होता है और रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, अब हम आगे की ये लाइन्स पढ़ेंगे और अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, लिखा है फर्स्ट लाइन में कैट सैट ऑन अ मैट। आपको दिख रहा होगा लिखा है अ कैट सैट ऑन अ मैट। चलिए अब बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। अ कैट मीन्स क्या होता है बच्चों? कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। एक बिल्ली सैट मारी क्या होता है? बैठना। और मीन्स होता है ऊपर। एक बिल्ली चटाई के ऊपर बैठी है। समझ में आया बच्चों? आप एक पिक्चर देख रहे होंगे तो आपके फोन में दिख रहा होगा एक बिल्ली चटाई के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, तो हमें साथ साथ देखना भी है और पढ़ना भी है और उसको समझना भी है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें साथ में करनी। क्या क्या? देखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। लिखा है द मैन इज इन द बेड। मैन मीन्स क्या होता है बच्चों? मैन मीन्स होता है आदमी। इन द बेड इन मीन्स होता है अंदर। इज मीन्स होता है वेन। मीन्स क्या होता है? आपको नेक्स्ट लास्ट क्लास में बताया था गाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी गाड़ी के अंदर है। समझ में आया आपको? एक आदमी गाड़ी के अंदर है। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो द लास्ट वाली लाइन देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? अ रेड। रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? चूहा। ठीक है, रेड मीन्स होता है चूहा। इस मीन्स होता है ऑन। मीन्स होता है ऊपर। अब बैट मीन्स होता है बैट। मीन्स हमने ABC में पढ़ा था बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला। ठीक है, तो एक चूहा बल्ला के ऊपर है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, चूहा बल्ला के ऊपर बैठा है। ठीक है, समझ में आया आपको? आपने क्या लिखा था ऊपर? लुक एंड रीड यानी कि हमें देखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप नीचे की ओर देखते हैं। तो उसमें नहीं लिखा है मैच द वर्ड यानी कि मैचिंग द वर्ड लिस्ट ए लिस्ट बी। ठीक है, यानी कि इस लाइन को इस लाइन के शब्दों से मैच करना है। और कौन से शब्दों को मैच करना है? जो कि सेम साउंडिंग यानी कि हम बोलने पर उनकी साउंडिंग सेम हो। जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं कि सेम साउंडिंग वाले वर्ड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? कि जिनको बोलने पर सेम वर्ड्स उसमें आए, जैसे कि वैन और रैन। ठीक है, सेम साउंडिंग में वैन और रैन। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को किस तरीके से मैच करना है, यानी कि इस लाइन के वर्ड्स को इस लाइन के शब्दों से मैच करना। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला वाला शब्द कौन सा है। पहले हम शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। कैप मीन्स क्या होता है? नल की टोपी। बैग मीन्स क्या होता है? बैग मीन्स बैग होता है। बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला होता है। रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? चूहा। वैन मीन्स क्या होती है? गाड़ी। कैप मीन्स क्या होती है? टोपी। टैग मीन्स क्या होता है? बांधना यानी कि टांगा। ठीक है, अब आपको मैच करवाते हैं ये सारे वर्ड्स। तो सबसे पहला हमारा शब्द कौन सा है? पेन। पेन है ना, तो हम दूसरा इस वाली लाइन में देखते हैं कि सेम साउंडिंग किस होनी चाहिए सारे वर्ड। पेन का है रेड। रेड से हो रही है? नहीं हो रही है। दूसरा देखते हैं वैन। हो रही है ना? पेन
रही है ना। चलिए इसको हम इस तरीके से मैच कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा शब्द देखते हैं क्या है, ट्रैक। अब इस तरफ आती है, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है, रेड। मैच किया नहीं किया, वैन तो हो चुका है। दूसरा देखते हैं कैप, कैप किया ना शायद, क्या है, पैप और कैप मैच किया। चलिए अब हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा देखते हैं बैग, बैग का देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं रेड, नहीं है ना बैग, रेड मैच नहीं किया ना। फिर नीचे देखते हैं वैन जो कि हो चुका है, कैप, कैप भी मिल चुका है। लास्ट है हमारा टैग, तो हमारा शब्द क्या था, बैग, बैग टैग मैच किया ना। चलिए इसको हम मिला देते हैं। अब हमारा लास्ट का एक बचा है, वो है बैड, बैड बचा है, यहाँ क्या बचा है, रेड। तो अब हम इन दोनों को भी मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सेम साउंडिंग वर्ड्स मिल चुके हैं। समझ में आया आपको कैसे मिलाया है, सेम साउंडिंग, यानी कि बोलने पर जिसके पीछे के शब्द सेम आए उनको सेम साउंडिंग कहते हैं। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो फैन के साथ होता है वैन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। आप बुक में देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो रिक्त स्थान है इनको पूरा करिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनको, इन सारे शब्दों को इनमें भरना है और इन लाइंस को पूरा करना है। समझ में आया क्या करना है, ये जो खाली लाइन दी गई है इनको इनमें भरना है और इनको पूरा करना है। बट इनको कैसे भरना है वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा है ये सेम इज आ, यानी कि सेम इज आ, सेम एक है। तो सेम एक क्या हो सकता है, आदमी हो सकता है, मैन मीन्स क्या होता है आदमी, पेन मीन्स क्या होता है पंखा, रेड मीन्स क्या होता है चूहा, और सेट मीन्स होता है बैट। तो हम अपने आगे की बुक में देख चुके हैं कि वहाँ हमने दो तीन लाइन्स पढ़ी थी, वो हमें आपको स्क्रीन पे देख रही होंगी। तो क्या लिखा है उनमें आपको देख रहा है, सेम इज अ मैन, यानी कि सेम एक आदमी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला, ये यहाँ पे भर दिया सेम इज अ मैन, ठीक है बच्चों। तो ये सेम मैन कंप्लीट हो गया। अब हमारे तीन वर्ड्स, तीन शब्द बचे हैं जिनको हमको तीन लाइनों में भरना है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे तो बैग है, बैग में है, यानी बैग में है, बैग के पास है। तो बैग के पास क्या हो सकता है, फैन पंखा भी हो सकता है, वह चूहा भी हो सकता है, सेट, सेट नहीं हो सकता है ना। तो अभी हमने आगे की वर्ड्स जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि उसमें लिखा है बैग है फैन, यानी कि बैग और फैन सेम साउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैन हैज अ फैन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वैन हैज अ फैन, वैन के पास पंखा है, ठीक है। आई एम अ, ये वर्ड क्या हो गया। अब दूसरा देखेंगे आई एम अ, यानी कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ। दो शब्द बचे हमारे पास, रेड और सेट, ठीक है। तो रेड एक चूहा है और सेट क्या है, बैठना। तो रेड से यहाँ पे आई एम सेट तो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे होगा आई एम रेड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम रेड, यानी कि मैं एक चूहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे आर, अब कौन हमारे पास कौन सा शब्द बचा है, सिर्फ एक शब्द बचा है वो है सेट। तो हम सेट को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट रख दिया, हो जाएगा आई सैट ऑन अ मैट, मैं चटाई के ऊपर बैठ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। समझ में आया ये कैसे करनी है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट पढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नीचे की ओर देखेंगे तो सबसे लास्ट हमारी एक लाइन लिखी है, उसमें लिखा है मेक अ करेक्ट वर्ड, यानी कि गिव
फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उनको सही शब्द बना के लिखो, ठीक है। जो सारे शब्द दिए गए हैं वो हमने ये लिखे हुए हैं, अब हम इनको सही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शब्द लेते हैं एनी वी। अब आप देख रहे होंगे कि एनी वी कौन सा शब्द होता है, चलिए इसको सही करते हैं, ठीक है। इसको पीछे से पढ़ते हैं तो क्या होगा, इसका एक शब्द लेते हैं वी, ठीक है। अब इसका कौन सा शब्द लेंगे, एन लेंगे। वेन की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, अभी हमने पढ़ा है वेन की स्पेलिंग होती है वी ए एन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए वी ए एन। वाह, ये तो नया शब्द बन गया, इसकी क्या हो गया वेन। वेन मीन्स क्या होती है, गाड़ी, ठीक है। हमने अपना पहला शब्द जो है वो करेक्ट कर लिया, यानी कि सही कर लिया। अब हम नीचे की ओर देखेंगे और जल्दी जल्दी सबको सही करते जाएंगे, ठीक है। ये वही शब्द है जो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या लिखा है, ATM, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी हमने कौन सा स्पेलिंग पढ़ा था जिसमें एम भी है, टी भी है और ए भी है। तो अभी हमने वो शब्द पढ़ा था, मैं पढ़ा था ना, ठीक है। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, एम और ए और लेंगे टी। वाओ, ये तो मैट हो गया, है ना। मैट मीन्स क्या होती है, चटाई, ठीक है। अब हम और नीचे जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या लिखा है, एम है और ए है। तो हमने ऐसा कौन सा शब्द पढ़ा था जिसमें एम भी आता है, ए भी आता है और एम भी आता है। तो हमने अभी पढ़ा था मैन पढ़ा था ना, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, एम, फिर क्या लेंगे हम ए, फिर क्या लेंगे एम। वाह, ये तो हो गया मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, ठीक है। इसी तरह हम ये वाला शब्द लेंगे, इसमें लेंगे पहले एफ, फिर लेंगे हम ए, फिर लेंगे हम एन। क्या हो गया ये, फैन। फैन मीन्स क्या होता है, पंखा, ठीक है। अब हम ये लेंगे एस, फिर ए लेंगे, देखो हम सब में बीच में ए ए ए ए लगा है, उन सारे शब्दों में एक चीज आप देखो वो कॉमन है, ए, है ना। तो हम इसमें भी ए लगाएंगे, ए और फिर पी। पी क्या हो गया, सेट। सेट मीन्स क्या होता है, बैठना। इसमें भी हम ऐसे करेंगे पी ए पी, कि कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो हम नीचे करेंगे पी, ठीक है, फिर लेंगे ए, फिर लेंगे पी। ये हो गया टैप। टैप मीन्स क्या होता है, नल की टोटी। आपको समझ में आया कि सारे वर्ड्स कैसे करने हैं, ठीक है। आगे का ये साउंड बना के एक्सरसाइज फिनिश हो गई है आपने, अब आप सीख गए हैं कि सेम साउंड क्या होती है, समझ में आई आपको, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।